नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। अभी हम हैं लखनऊ में, लखनऊ चारबाग में एक गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा नानक निवास। और यहाँ पर हम कल रात नाइट स्टे किए थे। यहाँ के जो सर थे, जो देखरेख संभालते हैं, उन्होंने हमें सेवा, उन्होंने हमारा सेवा किया था फ्री ऑफ कॉस्ट। हालांकि थोड़ा बहुत चार्ज लगता है गुरुद्वारा में, सिर्फ सेवा चार्ज लगता है जो भी साफ सफाई का होता है, लेकिन उन्होंने हमें फ्री ऑफ कॉस्ट दिया था। और फिलहाल यहाँ से हम निकलने वाले हैं। अभी कुछ इंसिडेंट हुआ हमारे साथ जो कि आप रोड पे शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले ये है रूम अपना, ऊपर पंखा, और ये है गुरुद्वारा के बाहर का नजारा रूम से। देख सकते हैं आप लखनऊ का ऊपर से ये मेट्रो मार्ग दिखता है, और ऊपर बाहर गाड़ियां चल रही है क्योंकि अभी दिन के करीब 9:30 बज रहे हैं सुबह के। तो इसको बंद करते हैं, फिलहाल हम अब निकलेंगे। तो भाई ये है हमारा सुबह का भोजन, दाल चावल और रोटी, बहुत ही अच्छा है। भाई गुरु नानक के निवास से निकल चुके हैं और अभी जा रहे हैं चारबाग रेलवे स्टेशन, लखनऊ चारबाग। लखनऊ चारबाग इसलिए जा रहे हैं, इसका कारण बताएंगे आपको स्टेशन पर जाकर। फिलहाल हमें इस सरकार जी मिले हैं। आपका शुभ नाम जी? हरमीत सोनू। हरमीत सोनू जी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत 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 धन्यवाद जी। इन्होंने भी हमें लिफ्ट दिया है लखनऊ चारबाग स्टेशन पर। फिलहाल पहुँचते हैं और स्टेशन होने का कारण बताते हैं आपको। अभी हम एच हाइकिंग ट्रेन लेना है, एच हाइकिंग किस लिए हम नहीं कर रहे हैं ये हम आपको बताएंगे। यहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर का रास्ता है। तो भाई फाइनली सरदार जी ने हमें लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन पर छोड़ दिया है। अब आप लोग सोच रहे होंगे भाई ट्रेन लेने के लिए हम क्यों आए हैं। ट्रेन लेने के लिए भाई हम इसलिए आए हैं क्योंकि भाई आज है 7 तारीख, 7 अगस्त है आज। तो 8 या 9 अगस्त को हमारा एग्ज़ाम है ITI का पटना में। तो भाई मास्टर का कॉल आया है, ITI वाला सर का कॉल आया है, बोले कि तुम्हारा एग्ज़ाम है, तुम कहाँ हो, जल्दी से 8 या 9 तारीख तक तुम पटना पहुँचो। तो भाई साहब हिच हाइकिंग करके क्या पता हम पहुँच भी सकते हैं, क्या पता हम नहीं पहुँच पाए। भाई अगर हम नहीं पहुँच पाएंगे तो भाई हमारा एग्ज़ाम छूट जाएगा, जिसके कारण से हम पटना तक हम भाई ट्रेन ले रहे हैं, जिस ट्रेन का नाम है अमृतसर पंजाब में, अमृतसर कौन सा ट्रेन, हाँ अमृतसर हावड़ा मेल, जिसका नंबर है 11006, ऐसे ही कुछ नाम है। तो भाई 11006 है, 11005 अप है, 13006। भाई ट्रेन का नंबर याद नहीं रहता है। हालांकि कुली भाई साहब यहाँ पर इनके गाड़े में फिलहाल बैठे हुए हैं और इंतजार है सिर्फ ट्रेन का। थोड़ी सी ट्रेन आज लेट है, बैठते हैं भाई। टिकट विकट कुछ है नहीं हमारे पास क्योंकि विदाउट मनी हम यात्रा कर रहे हैं। तो बेटी आएगा तो भाई उनसे हम बात करेंगे, उनको हम मैसेज सुनाएंगे क्या कर रहे हैं, हम देखते हैं वो क्या कहते हैं। फिलहाल ये है रेलवे स्टेशन, हमने सब तिरंगा वगैरह अपना सब लगा लिया है। हालांकि ये ट्रेन निकलेगी, उसके बाद वो ट्रेन आएगी, जस्ट करीब 15-20 मिनट के अंदर वो ट्रेन आएगी, इतना गारंटेड है। तो इंतजार है भाई। बाकी आपको इस वीडियो में लखनऊ से पटना तक का पूरा सफ़र दिखेगा, जो कि कितना किलोमीटर है पता तो नहीं, हम आपको स्क्रीन पर दे देंगे कितना किलोमीटर। चली गई, अब इंतजार है सिर्फ अपना ट्रेन का, हावड़ा अमृतसर हावड़ा मेल आता है, बैठते हैं, फिर आपको उसके सफ़र का आनंद दिलाते हैं। तो भाई साहब जिस ट्रेन का था इंतजार वो ट्रेन काफी इंतजार के बाद आ चुकी है भाई। अमृतसर मेल हावड़ा, अमृतसर हावड़ा मेल। भाई ट्रेन में एंट्री कर चुके हैं, भाई भीड़ भाड़ ज़्यादा है नहीं थोड़ा सा आसानी है, हालांकि बहुत पहले ट्रेवल करते थे ट्रेन में तो भाई काफ़ी
मुश्किल होता है। टिकट वगैरह तो है नहीं भाई, भारत यात्रा कर रहे हैं आप लोग को मालूम है, विदाउट मनी ट्रेन बहुत दिन बाद ले रहे हैं क्योंकि भाई एग्ज़ाम है हमारा, आप लोगों को मैंने बताया इसी कारण से भाई। पटना हमें आज या कल तक पटना में पहुँचना ही पहुँचना है, जिस कारण से ट्रेन लिए भाई। बाकी सफ़र है भाई 600 किलोमीटर अप्रॉक्स सफ़र है, 530 550 ऐसे सफ़र है पटना तक का, देखते हैं कब तक पूरा होता है। ऐसे टाइम तो है 9:30 तक पहुँचने का लगभग, पटना लगा देगा 10:30 ऐसा लग रहा है, 1.5 घंटा लेट है। तो ट्रेन के स्टार्ट होने का इंतज़ार करते हैं और यही बाहर ही भाई बैठेंगे, कुछ सीट अंदर है नहीं, खड़ा रहना पड़ेगा। तो भाई साहब फाइनली ट्रेन खुला अब थोड़ा सा हवा लगा है, बाकी यहाँ पर मोबाइल रखना भाई खतरों से खाली है नहीं। बाकी लोगों को देखते हुए हम वीडियो बना रहे हैं, लंबा सफ़र है भाई, बीच में जो जो भी इंसिडेंट होगा वो दिखाते रहेंगे, सफ़र में बने रहिए आप लोग। अगला स्टॉपेज है पछरावा। भाई साहब फाइनली प्रतापगढ़ यूपी पहुंच चुके हैं, लखनऊ यूपी में ही बैठे थे, प्रतापगढ़ पहुंच चुके हैं भाई। करीब टाइम था 1:50 पे, लेकिन भाई पहुंचे हैं यहां पर 3:46 लेकिन 4 बजने वाले, करीब 2 घंटा लेट है भाई। सफ़र जारी है, सबसे मज़े की बात यह है कि भाई भीड़ भी कम है इसमें, तो सीट वीट पूरा मिल चुका है, सफ़र पूरा होगा भाई रात के करीब 10:30 तक। बाकी हमारा अगला स्टॉपेज आएगा बादशाहपुर, जो कि यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है। बाकी हमारा पटना तो करीब 10:30 पहुँचेगा, इंतजार है तो पटना का, क्योंकि करीब 9 तारीख को हमारा एग्ज़ाम है, इसीलिए हमें ट्रेन ली है, नहीं तो हम ट्रेन बिल्कुल नहीं लेते क्योंकि हमारा सफ़र रहता है हिच हाइकिंग के द्वारा। तो भाई साहब अभी शाम के 6 बज रहे हैं और बनारस पहुँच चुके हैं भाई, हालांकि वाराणसी अभी स्टेशन का नाम वाराणसी है भाई, इसका नाम भाई पहले बनारसी था, 1956 में इसका नाम बदल के वाराणसी किया गया भाई। लेकिन भाई शाम के 6 बज रहे हैं और बनारस पहुंचे, लेकिन इसका टाइमिंग था करीब 5 बजे यहाँ पहुँचने का, ट्रेन समय होते ही मतलब कि टाइमली होती जा रही है, यानी कि पहले करीब 2 घंटा था लेट, अभी 1:15-10 लेट हुआ है। भाई ये माहौल, ट्रेन भी भाई खाली है तो जर्नी करने में मजा आ रहा है, तो भाई साहब अभी भी बनारस में ही है भाई, ट्रेन अभी तक खुला है नहीं। और हमें यहाँ पर देखा है भाई बनारसी नमकीन दालमोट मात्र 25 रुपये में भाई, खा के मजा आ गया, इसे फाड़ के खाए मजा आ गया, ये हमें बनारस में दिखा भाई। तो भाई साहब फाइनली पटना जंक्शन उतर चुके हैं और रात के करीब 12 बज रहे हैं भाई, और भाई ऑटो वाले रिक्शा वाले डिमांड कर रहे हैं तो भाई 50 रुपया है एक सवारी, अकेले तो 200 रुपया 300 रुपया ऐसा भाई, प्रॉपर यात्रा भाई साहब। फिलहाल देखते हैं भाई कहाँ पे कैसे पहुँचते हैं, भूतना देखते दिखाते हैं आपको भी, क्योंकि 4 जगह का डिमांड बहुत ज़्यादा है। भाई साहब रात के 12 बज रहे हैं और ये भाई साहब बहुत ज़्यादा है, भाई जो सभी लोग डिमांड कर रहे थे एक्स्ट्रा भाई, रात का फ़ायदा उठाते हैं बहुत लोग, क्या कहना चाहेंगे भैया आप, रात का बहुत लोग फ़ायदा उठाते हैं भैया, सही रेट बताएँ ऐसे भाई, कोई दोस्त हो कोई बोलेंगे 50 रुपये एक सवारी, लेकिन ये भैया बहुत ईमानदार भैया है, बहुत धन्यवाद भैया आपका, आपका पैसा नहीं उठाइएगा किसी को, ठीक है, क्योंकि मानवता सबसे बड़ी चीज़ है, मानवता, ठीक है, जिंदगी भर का मना ही पहुँच जाएंगे करीब 10-15 मिनट में भूत रात।